आप देख रहे हैं TNB। मैं दोनों साथियों ने जो अपनी बातें रखी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हम सब मिलकर के आंध्र प्रदेश का कायाकल्प करेंगे। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सोमनाथ भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, MCD चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार BJP को घेरती हुई नज़र आ रही है, लेकिन BJP कह रही है कि हम जो है MCD को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसलिए कहा, हालांकि चुनाव टाल दिए गए हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि अगर इनके नियत में रिफॉर्म होता, फ़ायदा पहुँचाना होता, तो इनको स्टडी करते। भाई, सीरा जी ने जब यूनिफाइड था तब किन कारणों से सेपरेट किया, क्या कारण रहे, क्या उन कारणों पे कुछ काम किया भाजपा ने, या 15 साल फिर लूटा, तो शायद इनकी लूट बंद हो रही है। चूँकि MCD इनके लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है करप्शन के ज़रिए। MCD को इन्होंने खोखला करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब ये कह रहे हैं कि जी हम यूनिफाई करेंगे, तो यूनिफाई करने में इलेक्शन कहाँ बीच में आ रहा है आड़े? तो अगर आप इलेक्शन होने देते और बाद में कर लेते यूनिफाई, कौन मना कर रहा है आपको? तो स्टडी अगर करे, चूँकि डेटा के बेसिस पे कोई स्टडी हो, जनता को कन्विंस किया जाए कि भाई पहले यूनिफाइड था, उसमें ये कमियाँ थी, शीला जी ने इसीलिए अलग अलग किया, अब ये कमियाँ और आई हैं, यूनिफाई करेंगे, तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये? और जो सबसे बड़ी भारी गलती की है, जो देश को नुकसान उन्होंने पहुंचाया है, कि खुल्लम खुल्ला निर्लज होकर के इलेक्शन कमीशन को आदेश देते हैं और इलेक्शन कमीशन स्टेज से अनाउंस करता है कि आधा घंटा पहले कि जी हमें केंद्र सरकार से एक आदेश आ गया है, उस आदेश का पालन करना है। तो ये तो बहुत ही दुखद है। देखो, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियाँ रहेंगी ना रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोमनाथ भारती आ जाए, कल मर जाएगा, लेकिन देश रहना चाहिए, संविधान रहना चाहिए, हमारा कमिटमेंट है। शहीद भगत सिंह 23 साल में देश के लिए फांसी चूम गए, तो ये देश बलिदानों से बनता है, इस प्रकार के हरकतों से नहीं बनता। इस प्रकार की हरकतों से ये समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, संविधान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतना बड़ा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं ये। तो मुझे लगता है कि भाजपा को अवलोकन करना चाहिए कि इतना बड़ा नुकसान पहुँचा दिया है, बट इनको लग रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशन इनके हाथ में हैं, जब मर्जी चाबी घुमा देंगे। ये बहुत भारी गलती कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, मतलब एकीकरण होना चाहिए या नहीं? मैं कह रहा एकीकरण की बात ही नहीं है, हम तो उस पॉइंट पे हम तो कह रहे हैं कि भाई चुनाव तो होने देते। मतलब मैंने कहा ना, एकीकरण पे जो कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो भाई ये तो बता दो कि क्यों शीला जी ने किया था अलग अलग, और अब आप क्यों एक करना चाहते हैं? तो कोई स्टडी किया है आपने? इन्होंने स्टडी किया है, एक स्टडी किया है, इनके पास रिपोर्ट है कि बहुत 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 बुरी तरह ये हार रहे हैं MCD। जनता ने फैसला कर लिया, इनको भगाना है। BJP छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थामने आंध्र प्रदेश के जो लीडर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की है, BJP आपने छोड़ दी है, कैसा लग रहा है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद? अभी बहुत अच्छा लग रहा, संतोष लग रहा। तो ये हमारा लोगों को फ़ायदा करने का पार्टी में ज्वाइन करे, तो ये बहुत खुशी की समय है हमारे वास्ते। BJP छोड़ने का कारण क्या रहा है सर? वो कोई बड़ा कारण नहीं है, दे आर बिजी विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। आंध्र प्रदेश को देखने को समय बहुत ही कम है, तो हम भी दिल्ली लोगों के सर का अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा रोड चाहिए, करप्शन फ्री गवर्नमेंट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। उसलिए हम जिस पार्टी को टाइम है उस पार्टी का सेवा लेना चाह रहे हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल साहब समय बिता के हमारे को ये पूरा सर्विसेस उपलब्ध होने को वादा करे बोल के उनके साथ चलने को हम निर्णय लिए। तो अब चुनाव होंगे आंध्र प्रदेश में, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी जो है वो उभर कर सामने आएगी? अभी आधे में आए मैडम, हाफ ऑफ द पीरियड इज ओवर, और 2.5 years इज देयर। इट इज नॉट द राइट टाइम टू से समबडी विल गो, समबडी विल कम। तो अब हम भी वो दौड़ में रहना चाहते हैं, एंड वी आल्सो विल डू आवर बेस्ट टू ब्रिंग केजरीवाल जी इन पोजीशन इन साउथ इंडिया। सो वी नीड ब्लेसिंग ऑफ ऑल द पीपल एंड ऑल मीडिया पीपल एंड पर्टिकुलरली यू पीपल, यू। थैंक यू सो मच।
दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी पे सवाल जो है वो खड़े कर रही है। इसी के साथ जब हमारे साथ मौजूद थे सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बताया कि अगर भाजपा जो है एकीकरण करना चाहती है तो वो चुनाव के बाद भी कर सकती है, चुनाव से पहले ही क्यों, क्योंकि बहुत से सवाल उन्होंने आज खड़े करे हैं। और साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा किया है वो यही कि रीज़न हमें दे कि क्या क्या फ़ायदे जो है एकीकरण से होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल जो है आज उन्होंने पूछा है। आप क्या सोचते हैं, क्या आप राय रखते हैं कि क्योंकि चुनाव का मुद्दा इस टाइम दिल्ली एमसीडी चुनाव का मुद्दा इस टाइम जो है गरमाया हुआ है, राजनीति में जो है इस वक्त बवाल मचा हुआ है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो गया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNV न्यूज़ दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।